लोग कहेंगे जात बिरादरी की बात लेकर आएंगे, धर्म की बात लेकर आएंगे, उनसे पूछ लेना, भेंट मांगेंगे, भेंट दे देना, दुगनी भेंट करके दे देना, लेकिन उनसे पूछ लेना ये सवाल कि कोई गुणा भाग गणित तुम्हारा बैठता है जीतने का? और अगर जीत भी जाओ तो ये चुनाव विधायक सांसद मंत्री का नहीं है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। देश का प्रधानमंत्री देश तय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी के सिवा कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुना जाएगा 273 सीट 543 में से लेकर, तो मैं अपना वोट तुम्हारे याबाद पे, जाति पे, धर्म पे, रिश्तेदारी पे डालकर क्या गड्ढे में डाल दूं? कोई है उम्मीद? मायावती बहन जी की एक भी सीट यूपी में नहीं है सांसद की, कैसे 273 पहुंचेंगी? पूछ लेना उनसे ना कि भाई मुझे गुणा भाग बता दो कैसे। कोई गुणा भाग नहीं बनता। अखिलेश भैया की 3 सीटें हैं, कहां से पहुंच जाएंगी 273? कहां से पहुंच जाएंगी 273 सीटें? कैसे पहुंच जाएंगी मुझे बता दो। कौन सी रिश्तेदारी निभा दे हम आपको? जब हवन की आहुति होती है तो घर का बुजुर्ग पीछे कोने में बैठे नौकर को बुलाकर भी कहता है कि बेटा एक आहुति तू भी डाल दे। हम में से भी गर्व ये हो कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक वोट मेरा भी है। यहाँ की वोटिंग परसेंटेज 80% करने का हमारा चैलेंज है। हमारा चैलेंज है। ये दोनों पार्टियां कहीं दिखाई दे रही है? लोग जातिवाद का नारा उठा रहे हैं, धर्मवाद का नारा उठा रहे हैं। पूछो लोगे कहां थे ये लोग, जाति और धर्म वाले लोग कहां थे पिछले 15 साल से? कहां थे? क्या इनका योगदान है गौतम बुद्ध नगर में यहां तक पहुंचने में? एक काम वो बता दे, कोई भी पार्टी बता दे उनकी या प्रत्याशी बता दे, अगर कहीं भी दिखाने लायक भी हो सकता, चेहरे भी लोग ना पहचानते हो, 15 साल में शक्ल भी नहीं देखी होगी उन लोगों की। आज वो लोग हमारे बीच में पार्टियां बदलते यहां तक पहुंच गए। तो साथियों अपनी मजबूत मुट्ठी को इस अहंकार भाव में मत रहना। मैं छोटे बाप का बेटा हूं, सवेरे प्रार्थना में यही कहता हूं कि ईश्वर मुझे अहंकार मत ला देना कि एक मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा आपके सामने खड़ा बैठा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आपने बड़ा कर दिया है तो वह आपने किया है। आपने सांसद बनाया है तो मोदी जी ने मंत्री बनाया और आज मैं अपने क्षेत्र का कुछ कर्ज वापस कर पाया, ये भी आपकी देन। मेरे साथियों